फ्रेंड्स, मैं प्रोमिला कंवर आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक और ट्रेडिशनल रेसिपी लसूड़े की सब्जी। हिमाचल में इसे लस्याड़ा भी कहते हैं। बदलते लाइफस्टाइल में ये सब्जी अपनी इम्पोर्टेंस खोती जा रही है और आज के जेनरेशन के बच्चों ने तो शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ये सब्जी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और आजकल इसका सीजन चल रहा है और मार्केट में बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है, तो क्यों ना फिर आज इसकी रेसिपी डिस्कस की जाए। लसूड़ों को धोकर के मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इस रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम लसूड़े लिए हैं। लसूड़ों को डंडियों से अलग करके रख लें। किसी भारी चीज के साथ लसूड़े को तोड़े। और इसलिए गुठली को बाहर निकाल दें और इसे पानी में डाल दें। कई बार हाथों में चिपचिपा पदार्थ लगता है, इसे आप नमक या आमचूर अपने हाथ में लगा लें और उससे आपके ये चीज ठीक हो जाएगी। सभी लसूड़े तोड़ करके मैंने पानी में डाल लिए हैं ताकि इनका चिपचिपापन साफ हो जाए। 250 ग्राम लसूड़ों की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं बराबर मात्रा में कच्चे आम, जिनको मैंने धो के छील के काट के रख लिया है। और मसालों में हमें चाहिए हींग, मेथे, जीरा, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला और नमक, और स्वाद के मुताबिक इसमें डलेगा गुड़। लसूड़े की सब्जी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में हमने 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल के डाले हैं। इनमें तेल की मात्रा आम सब्जियों से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसमें डालिए मेथी दाना, जीरा, हल्दी की मात्रा इसमें हमेशा कम डाली जाती है ताकि इसका नेचुरल ग्रीन कलर रहे। इसके अंदर हींग, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी, ये सारे के सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसमें लसूड़े डाले जो कटे हुए हैं और पानी में धो के रखे हुए हैं हमने, इसकी गुठली निकल चुकी है। और इसी के साथ डाल देंगे हम कच्चे आम के टुकड़े। साथ ही डाल देंगे, इनको अच्छे से मिलाएं। सभी इंग्रेडिएंट्स भूनने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 2 सीटियां लगने के बाद इसे खोलेंगे। प्रेशर कुकर खोलने के बाद सब्जी की शक्ल कुछ इस तरह से है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी है तो इसको भून करके सुखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लसूड़ों की खट्टी मीठी सब्जी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये थी लसूड़ों की खट्टी मीठी सब्जी। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि जितने लसूड़े लेंगे उतनी ही मात्रा में हमें कच्ची अमियां लेनी है। दूसरी बात, चीनी या शक्कर की बजाय अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा होगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ट्राई जरूर करेंगे। अगर लाइक करते हैं तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। इट्स प्रोमिला कंवर साइनिंग ऑफ।